दृश्यम टू, और इसका डे थ्री का मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी क्या आने वाला है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। एक चीज मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ, बॉलीवुड की बेइज्जती करने वाले, बॉलीवुड की बुराई करने वाले ऐसे यूट्यूबर्स का पतन होना चाहिए, उनकी बैंड बजनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि दृश्यम टू ने डे थ्री की जो ऑक्यूपेंसी बटोरी है मॉर्निंग शो की, वो भी सुबह के शो की, उससे ये साफ हो चला है कि ये फिल्म हिट नहीं, ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी। और ये फिल्म उन लोगों के बोलते ना चेहरे पर उनको तमाचा देगी जो लोग बॉलीवुड इंडस्ट्री से कुछ उम्मीद नहीं लगाए थे। मैंने हमेशा बॉलीवुड लवर हूँ, सपोर्टर हूँ, बाकी फिल्में भी देखता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, लेकिन हाँ मैंने कभी ये नहीं किया कि साउथ की फिल्मों को सपोर्ट करो और बॉलीवुड की फिल्मों को गिरा दो। नहीं, यूट्यूबर्स ये करते कई सारे, लेकिन मैं हमेशा हर फिल्म को सपोर्ट करता हूँ, एक ही नज़र से देखता हूँ। दृश्यम टू को भी पब्लिक ने एक ही नज़र से देखा है, फिल्म के तौर पर, एंटरटेनमेंट के तौर पर। दृश्यम टू की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी अब सीधा सीधा बताता हूँ 48 से 50% है। जो इसका डे टू था वो 38% के आसपास था, डे वन था 25 से 26% के आसपास था। तो आप देख सकते हैं 26% फर्स्ट डे, सेकेंड डे 38%, थर्ड डे 48 से 50%, यानी ग्रोथ ऑलमोस्ट 35 से 40% के रेंज में नजर आ रही है हर दिन। और आज भी ग्रोथ इंक्रेडिबल है, मॉर्निंग शो में थोड़ा 19-20 होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं आफ्टरनून इवनिंग नाइट शो में आपको टिकट नहीं मिलने वाली है। रात के 12 बजे की भी शो है, 1 बजे की भी शो है, 1:30 बजे की भी शो है, सुबह 6 बजे की भी शोज है मेट्रो सिटीज में। तो आप सोच सकते हैं इस फिल्म का रिस्पॉन्स क्या है, वो भी ऑलमोस्ट हाउसफुल या हाउसफुल रेंज में, और टिकट प्राइस भी काफी कमाल की है, हाई फंडो। तो यहाँ पे 48 से 50% की ऑक्यूपेंसी है डे थ्री की मॉर्निंग शो की। आप ही क्या रहा है दृश्यम टू को लेकर जरूर बताएगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा।